मैं हूं निवेदिता। कहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जलवा भी कुछ कम नहीं है। पूरी दुनिया इनके आगे सिर झुकाती है। तो वहीं चीन की बढ़ती शक्ति के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इन दिग्गज नेताओं की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम नेताओं की खींची लाइन से बड़ी लाइन खींच दी है। आज उनकी लोकप्रियता का लोहा पूरी दुनिया मानने को मजबूर हो गई है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता बन गए हैं। हाल ही में ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन ब्रिटिश हेराल्ड ने एक पोल किया जिसमें पीएम मोदी को सबसे शक्तिशाली शख्स चुना गया। इस पोल में पीएम मोदी ने दूसरे ताकतवर नेताओं जैसे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेताओं को पछाड़ते हुए नंबर एक पर जगह बनाई है। ब्रिटिश हेराल्ड ने इस सूची में 25 से ज्यादा नामी हस्तियों को शामिल किया था। इसके चुनाव के लिए भी खास तरीका अपनाया गया था। इसके लिए मैगजीन ने अपने रीडर्स को वन टाइम पासवर्ड दिया था ताकि एक शख्स दो बार वोट ना दे सके। आपको जानकर हैरानी होगी, अपने नेता को नंबर वन बनाने के लिए लोगों में ऐसी होड़ मची कि वोटिंग के दौरान साइट भी क्रैश हो गई और वोट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग साइट पर आ गए। ब्रिटिश हेराल्ड के रीडर्स ने इस पोल में पीएम मोदी को 30.9% वोट दिए, तो वहीं दूसरे नंबर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे, उन्हें 29.9% वोट मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21.9% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं चीन के राष्ट्रपति को 18.1% वोट ही मिले। इस वोटिंग में आए नतीजे के बाद मैगजीन ने पीएम मोदी को अपने कवर पेज पर जगह दी है जिसमें पीएम की तस्वीर के साथ नीचे लिखा है, नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत। ये मैगजीन 15 जुलाई को रिलीज होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी भारत ही नहीं दुनिया भर में इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी तमाम बड़ी हस्तियों को पछाड़ दिया है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी दूसरे नंबर पर आते हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप तीसरे नंबर पर। दरअसल भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पीएम मोदी ने जितनी बड़ी जीत हासिल की, पुलवामा के बाद पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उसके बाद से उनके समर्थकों में भारी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि पीएम मोदी आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों में छाए हुए हैं। मंच पर विराजमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री और झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बट बहुत बहुत जोहार। आप सभी को, पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम। और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है, ये गौरव आज झारखंड को मिला है। आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की अहम भूमिका निभा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, झारखंड में योग दिवस के लिए आना
अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं, मैं आप सभी का आभारी हूं। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं पांचवा योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाइयों और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की तीन और बड़ी वजह हैं। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है, और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। भाई और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है, और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बड़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। साथियों, सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है। दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है।
आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं। योग अनुशासन है।